तो हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं एलजी हाउस से। भास्कर, क्या माना जाए, दो नए मंत्री, अब आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, खासकर मिनिस्टर की गैर मौजूदगी, पहले सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में हैं, दूसरे मंत्री अभी अभी जेल गए हैं, तो क्या माना जाए दिल्ली की सरकार अब सुचारू चल पाएगी? बिल्कुल, देखिए कोशिश भी यही थी। आपने देखा होगा कि जब सत्येंद्र जैन को जेल भेजा गया था तो उसके बाद दिल्ली सरकार के द्वारा उनकी जगह पे किसी और को मंत्री नहीं रखा गया, बल्कि उनके पास जो जिम्मेदारी थी वो मनीष सिसोदिया को ट्रांसफर कर दिया गया। और मनीष सिसोदिया के पास में 18 से अधिक विभाग था और वो सारी जिम्मेदारियों का ऑफिशियली निर्वहन वो कर रहे थे। लेकिन उनके जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार के पास में ऑप्शन नहीं था, उनको दो नए चेहरों को लाना ही था। इससे पहले जो भी मंत्री थे, जो ऑलरेडी हैं मंत्री, उनके पास जो भी विभाग है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, और खासकर आम आदमी पार्टी सरकार के लिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जिसे फ्लैगशिप अपना प्रोग्राम मानते हैं, अलग अलग राज्यों में बताते हैं, वो सारी जिम्मेदारी या तो मनीष के पास में थी या सत्येंद्र जैन के पास में थी। अब जबकि ये दोनों ही नहीं रहे तो इनकी जगह पे दो नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। और उसमें पार्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो दो विश्वसनीय चेहरा सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लिना थी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई। सौरभ जो है वो डायरेक्ट रूप में सरकार में न होके वो जल बोर्ड में उपाध्यक्ष जरूर थे अभी, लेकिन वो बड़ी भूमिका उनकी थी, पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन थे। सरकार और पार्टी को डिफेंड करने के लिए कोई भी सामने आता था तो सबसे पहले सौरभ भारद्वाज आता था, और पार्टी में बहुत ही ट्रस्टेड व्यक्ति हैं, इसलिए उनको एलिवेट किया गया। और ऐसा मान रही है सरकार कि उनका जो एक्सपीरियंस है, पहले भी मंत्री के तौर पे वो काम कर चुके हैं, परिवहन विभाग उनके पास में था, तो महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको मिलने वाला है। भास्कर, एक सवाल सबके मन में आ रहा होगा कि मनीष सिसोदिया आने के बाद खुद नंबर 2 थे, अब वो नहीं है, तो नंबर 2 की भूमिका में कौन होंगे, सौरभ भारद्वाज या आतिशी? देखिए, सरकार में अब शायद नंबर 2 और नंबर 3 बहुत ही मुश्किल होगा। अब ये कह सकते हैं कि दिल्ली में 10% जो है वो मंत्री हो सकते हैं सीएम लगा के, यानी कुल 7 ही मंत्री हो सकते हैं सीएम लगा के, तो सीएम के बाद कोई नंबर 2 वाली पोजीशन अब नहीं है। मनीष सिसोदिया के जाने के बाद और सत्येंद्र जैन के नहीं रहने के बाद आप विभाग अगर किनके पास कौन सा है उस हिसाब से एक आकलन किया जा सकता है। पार्टी या सरकार में ऑफिशियली वो जिम्मेदारी नहीं होगी, उप मुख्यमंत्री शायद कोई नहीं होगा, और या सरकार में कोई ऐसे नंबर 2 नहीं होगा कि सीएम के नहीं रहने पे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो सारी जिम्मेदारी वो निर्वहन करेंगे, सिर्फ ये होगा कि वो अब सीएम डेजिग्नेट करेंगे, अगर वो नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी कौन निर्वहन करेगा। लेकिन इस हिसाब से अब ये कम से कम नहीं कहा जा सकता है कि पार्टी और सरकार में अगर मनीष नहीं है तो उनकी जगह किसी और को स्थान दे दिया गया और उस जगह पे वो अब काबिज हो गए। वैसी स्थिति आने में अभी वक्त लगेगा, अभी इंतजार है पार्टी को भी कि एक बार क्लियर हो जाए जिस मामले में मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, कब तक वो जेल में, कल उनकी जो बेल एप्लीकेशन है वो लगाई जानी है कोर्ट में, उसके बाद देखना होगा कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ईडी दूसरी तरफ पूछताछ कर रही है, क्या ईडी फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी? अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो क्या सत्येंद्र जैन की तरह उनको भी लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ेगा? ये तमाम चीज है जिसको क्लियर करना है। तो मुझे नहीं लगता कि ऑफिशियली वो पार्टी में वो पोजीशन दिया जाएगा 2 नंबर का, हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण पद जरूर दिया जाएगा। बिल्कुल, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।